आगे फल में मैं हूं आपके साथ चंद्रशि राजपूत। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के हर एक हिस्से में कोई ना कोई ऊर्जा होती है जिसका प्रभाव घर के लोगों पर पड़ता है। वास्तु में बाथरूम को भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। थोड़ी सी गंदगी की वजह से बाथरूम में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और इससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलने लगती है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में नमक रखने के विशेष लाभ मिलते हैं, जानते हैं इसके बारे में आचार्य जी से, क्योंकि इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387870120715386, ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और पंडित जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है वास्तु को लेकर, कि वास्तु के अनुरूप घर के हर एक हिस्से में कोई ना कोई ऊर्जा होती है ऐसा माना जाता है। तो कौन सी वो अच्छी ऊर्जा होती है, कौन सी बुरी ऊर्जा होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और आचार्य जी, घर के हिस्सों की बात की जाए तो वास्तु में बाथरूम को भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, और अगर वहां पर साफ सफाई ना हो तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या, कैसे ये वास्तु दोष उत्पन्न होता है और इसके नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है, और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का हर एक हिस्से में कोई ना कोई ऊर्जा होती है, जिस प्रभाव के कारण नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह है वास्तु। यदि बाथरूम का वास्तु कहीं गड़बड़ है तो उसके लिए बाथरूम के अंदर एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर। ऐसा करने से घर से दरिद्रता भागती है। सेंधा नमक के पानी से स्नान करना शुभ माना है। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती। ये वातावरण को शुभ करता है और इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। नमक का उपाय बरकत भी करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कांच के गिलास में पानी भरकर नमक मिलाएं और इसे बाथरूम के निरतपन यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में रखते हैं। ऐसा करने से पैसे का प्रभाव बढ़ता है, बाथरूम से जुड़ा वास्तु दोष दूर होता है। पर ये जरूर बता दें, क्रिस्टल और नमक को एक कांसे की कटोरी में रखें तो और भी, नहीं तो आपको वो कहीं कहीं से धन प्राप्त होता है। खड़े नमक को टॉयलेट में डालकर के बहाने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और नकारात्मक ऊर्जा पर लगाम। बाथरूम में जब आप नमक रखें उसी के साथ एक और ध्यान रखना है, शुक्रवार या शनिवार के दिन बाथरूम में नमक रखना माना गया। मंगलवार को हनुमान जी का नाम लेकर के बाथरूम में नमक रखने से हनुमान जी घर में प्रवेश होने वाली नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करते हैं, और शनिवार के दिन रखने से शनि देवता का नाम लेकर के बाथरूम में नमक रखने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, और इस पर ज्यादा विस्तार से और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, कि करके कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। सर, रवि नारायण शर्मा बताइए, अपना सवाल बताइए। हाँ,
रवि नारायण शर्मा नाम। सवाल बताइए मैम। नौकरी के बारे में पूछना है, शादी के बारे में पूछना है। इनका कोई जन्म तारीख, महीना, सन, जन्म तारीख समय? बताओ तेरी। 11 अक्टूबर 1999। 11 अक्टूबर 1999। समय? 11 अक्टूबर 1999। समय बताइए मैम, समय बताइए। 3:50 पर दोपहर में। शहर? शहर किशनगढ़। 3:50 पे दोपहर में। हाजी हाजी हाजी। अब देखिए, आपको बच्चे का यहाँ भाग जाना है और शादी जाननी है। ये बच्चे का विशेष तौर पर अभी समय बहुत पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ कि इनको इस समय ये समय जो है वो बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इसलिए आप जो है बच्चे के लिए विशेष तौर पर प्रतिदिन ये जो नमक का उपाय हमने दिया है, इस नमक के उपाय को करें, अवश्य आपको लाभ होता है। और वही इसकी शादी और विवाह दोनों के संयोग बनते हैं। आप कृपा करके नियमित रूप से इनको नहाते समय नमक का एक डली बाहर अपने कमरे के बाहर प्रतिदिन रख करके और फिर उसे पानी में बहा दें। ये नमक का जो टोटका है ना, ये बहुत कारगर है, इससे कई प्रकार के काम बनते हैं। तो आप ये करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामना है जी। इसी के साथ अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। जी अपना नाम और अपना सवाल बताइए मैम। हेलो हेलो, आपकी आवाज मिल रही है। मैं जयपुर से कौशल्या बोल रही हूँ। मुझे अपना जन्म तिथि पता नहीं है जी। मैं ये जानना चाहती हूँ। जी बोलिए ना। हाँ बोलिए आराम से। हाँ मैं इन दिनों ना, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, क्या हो गया? और पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है, अचानक ही बीमार हो जाती हूँ। मैं ये देखिए बहन कौशल्या जी, आपका मैं देख पा रहा हूँ ये प्रश्न कुंडली के आधार पर, और ये प्रश्न कुंडली आपका वर्तमान में अभी ग्रह की स्थिति को देखते हैं तो मेष लग्न हो रहा है, और मेष लग्न से जो ग्रह की स्थिति है वो काफी आपको परेशान कर देने वाली दिखाई देती है, जिससे कि आपके बनते बनते काम बिगड़ना और स्वास्थ्य खराब रहना आदि की समस्या दिखाई देती है। कृपा करके आप नियमित रूप से घर में गंगा जल छिड़कें और गूगल तो धुआं करें, आप सब ठीक होने वाले हैं जी। अगले कॉलर के पास जाएंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो पंडित जी, मैं अपनी बहन के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है गायत्री जी। उसका जन्म हुआ है 22 अगस्त 1999 में और गांव है दरियावर, प्रतापगढ़ जिला, राजस्थान। उसकी शादी कब तक होगी और उसका करियर कैसा होगा? और उसकी शादी मतलब कहाँ होगी, आसपास होगी या दूर होगी? देखिए बहन के करियर को लेकर के आप जो प्रश्न कर रहे हैं, इसमें साफ होता है कि ये बहन का शादी निश्चित रूप से 2025 में होता है और आपके जहाँ रहते हैं उससे दक्षिण पूर्व के कोने में जाकर के शादी का संयोग बनता है। निश्चित रूप से इनको बहुत हौसले के साथ में रहना चाहिए और नियमित रूप से ये कर सकते हैं तो हरा चारा गाय को देना शुरू करें। इनकी जन्मपत में शोक स्थिति बनती है जो मन को खराब करती है और बेचैन पैदा करती है। एक बहुत छोटा काम है ये कर देने से इनको काफी लाभ जी। जी अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो, मेरा नाम जुई है। मेरी बर्थ डेट है 28 फरवरी 2003 और समय शाम की 5:15 बजे। जन्म स्थान तिलानी,
क्या जानना चाहते हैं बेटी? ये बताएं कि मेरी बेटी जानना क्या चाहती है? हाँ देखिए बेटा, आपका इष्ट की बात करें तो हमेशा ध्यान रखो, इष्ट सभी दर्शकों के लिए बहुत काम की बात है। लगन जो आपका होता है, उसका स्वामी जो होता है वही इष्ट होता है। आपका भगवान शंकर का इष्ट देव रखें, भोले बाबा की सेवा करने से आपको बहुत लाभ होगा। और आप बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे परिवार से हैं। आपके दादाजी बड़े संस्कारवान हैं, आपके दादाजी बहुत आदर्श के रूप में हैं, बड़े ओजस्वी हैं, बड़े मेहनती हैं, फादर भी आपके बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप नियमित रूप से भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाना शुरू करें और अपना आराध्य भगवान शिव को माने। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी अगले कॉलर पे जाएंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो जी, बताइए। मैं बोल रही हूँ जी, मेरी बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1997, जयपुर का जन्म है, दिन में 2/27 का जी। मैं इनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा। अच्छा देखिए, भविष्य की बात करें तो मंजू जी, ये बच्ची ने वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा है और शुक्र का अंतर है और बृहस्पति का पंत्र है। राहु इनका इनको कर्म भाव में बैठा हुआ है। वृश्चिक लग्न से राहु का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ होता है और भाग्यवश राहु पुष्कर नवांश में है तो कुछ फायदा होता नजर आता है, लेकिन पूर्ण क्षमताओं को प्रकट नहीं होने देता। इससे मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके इनसे नियमित रूप से हरि दुर्वा गणपति को चढ़ाने के लिए कहें। हरि दुर्वा यदि गणपति को नियमित रूप से चढ़ाते हैं तो इन्हें बहुत लाभ होगा, और वो कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। जी अगले कॉलर पे जाएंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आप सुन पा रहे? ठीक है, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। जी हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, ठीक है, लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगले कॉलर को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। नाम बताइए पहले अपना। हेलो, नाम बताइए। नाम बताइए। नाम ठीक है। अच्छा ठीक है, उनका कोई जन्म तारीख? जय श्री राम। नहीं आप बार बार मत बोलिए, केवल एक बार बोलिए, ज्यादा मत, एक बार चार बार मत नहीं बोलो, केवल एक बार बोलो। अब उनका जन्म तारीख क्या है? जन्म तारीख तो मैम मान लीजिए याद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है ना? देखिए भगाराम जी का स्वास्थ्य खराब रहता है। भगाराम जी के मकान के आगे कोई कांटे का वृक्ष होना चाहिए और भगाराम जी दो भाई का योग बनता है और भगाराम जी को कोई पितृ दोष की स्थिति दिखाई देती है। इसमें आप भगाराम जी से नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाने के साथ 11 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर से चोला चढ़ाने के लिए कहें। जब 11 मंगलवार ये ऐसा करेंगे तो इनका सब कुछ सामान्य और सब ठीक होगा। भगाराम जी को आप ये कहिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है राशिफल का, एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं, अगर हमारे पास समय बचा तो हम कुछ और कॉलर्स को भी लेंगे। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से।
आज मेष राशि के लोगों को जीवन में बहुत खुशियां वापस आने की संभावना दिखाई देती है। स्वास्थ्य और धन से जुड़ी घटनाएं आज आपके पक्ष में होने वाली हैं। कोई नया प्रोजेक्ट कुछ मुनाफा देके जा रहा है। आप कोई संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मोबाइल या फोन या वाशिंग मशीन आज आपका भाग्यशाली रंग नारंगी है। आप बात करते हैं, आज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष इस बात का ध्यान रखना है, आप वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं हो सकती जो आप एक दिन में चाहते हैं। आज आपका भाग्यशाली रंग मैरून है। आपका भाग्यशाली अंक आज 16 है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के सभी जातकों का आज का दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको आज परेशान कर सकती हैं। आर्थिक रूप से आपको किसी रिश्तेदार से मदद मिलने का आज संभावना दिख रही है। आज कोई समझौता करने से बचना चाहिए क्योंकि संभवतः आज कागजी कार्रवाई भी आपको धोखा हो सकता है। आपका भाग्यशाली अंक आज पीला रहेगा। आपका भाग्यशाली रंग पीला रहेगा और अंक 25 रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज कर्क राशि वाले जातकों को विशेष तौर पर धीरे धीरे कर्ज के जाल से सारे रूप से स्थिति आज ठीक रहने वाली। आज आपको कुछ मानसिक दबाव से निपटारा होगा। आज का भाग्यशाली रंग मैजेंटा रहेगा। वहीं आज आपका भाग्यशाली अंक 1। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों। आज सिंह राशि के जातकों को अपने अच्छे गुण का एहसास, वहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं के कारण आपको दवा लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। जो लोग किसी कानूनी मामले में फंसे हैं उन्हें आज अपने पक्ष में फैसला मिलने की पूर्ण उम्मीद है। आपका भाग्यशाली रंग हरा रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 11 है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज कन्या राशि के जातकों को खास तौर पर विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। आपको अपने करियर में इस संबंध में कुछ स्पष्टता मिलेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी प्रकार की बुद्धि की उम्मीद हो सकती है। ये वृद्धि आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आज का भाग्यशाली रंग काला है। भाग्यशाली अंक 18। और उसी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। आज आप अधिक
सामाजिक रहेंगे और अपने आसपास के लोगों से संपर्क बनाने में व्यस्त रहेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। निजी जीवन में मजबूती आएगी और संबंधों में सुधार आएगा। आर्थिक रूप से आज आप मजबूत हो। आज का भाग्यशाली रंग लाल है और भाग्यशाली अंक 23 रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले। आज जो लोग नौकरी बदलने का कोई नया सोचते हैं, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। आपकी उम्मीद के मुताबिक आज कार्य पूरे की संभावना दिखाई देती है। आर्थिक तंगी से आज जूझना पड़ सकता है। आज का भाग्यशाली रंग बैंगनी रहेगा और भाग्यशाली अंक। अब अगली राशि का रुख करते हैं धनु राशि वाले लोगों के। आज विदेश जाने की यदि आप सोच रहे हैं तो एक बेहतरीन दिन रहेगा। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह हम आपको देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपके पक्ष में आज संभवतः संभावित है। आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों मजबूती बनेगी। आज का भाग्यशाली रंग गुलाबी रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक आज 30 रहेगा। बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको अनुकूल परिणाम दिलाएगा। आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आप उन कामों को करने के लिए प्रेरित होंगे जो कभी असंभव लगते थे। वहीं आप दूसरों के साथ समाज में बहुत कठोर रहेंगे। आज पैसे उधार देते चलत रहिए। आज आपका भाग्यशाली है, आपका भाग्यशाली पारा रहेगा। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वाले। अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक बेहतरीन आज का दिन रहेगा। दूसरों की राय से खुद को परेशान न कर, क्योंकि इससे नकारात्मक संभावना आपके मन में आएगी। आज का भाग्यशाली रंग भूरा रहेगा और भाग्यशाली अंक 25 रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोग। आपके भाग्य को संजोने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य और धन में बढ़ोतरी आएगी। प्रेम जीवन में सुधार। कानूनी मामलों में उलझे लोगों को न्याय मिलने की आज संभावना दिखाई देती है। आज का भाग्यशाली रंग नीला रहेगा और भाग्यशाली अंक 26 रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। जी, तो आज का विषय के बारे में भी हमने चर्चा की और साथ ही कई सारे कॉलर्स भी लिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।